हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो मैंने ये 3 से 6 महीने तक की बेबी के लिए एक स्वेटर बनाया, तो ये मैं बना चुकी हूँ। इसकी मैंने बनाते हुए वीडियो नहीं बनाई है, ये सिंपल था इसलिए नहीं बनाया वीडियो। तो अगली वीडियो में बता दूंगी कि कैसे बनाया मैंने। अभी मैं इसका मेजरमेंट वगैरह बताती हूँ कि कितने फंदों में मैंने शुरू करा और कैसे कैसे बनाया। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा डिजाइन डाल रख नीचे से डिजाइन डाला है। तो ये डिजाइन मैं कई बार अपने यूट्यूब चैनल पे कई वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो इसलिए भी मैंने ये डिजाइन नहीं बताया कि बार बार एक ही डिजाइन को क्या दिखाऊँ। तो इस तरीके का ये डिजाइन बना हुआ है, तो वो मैं हम 8 फंदों से बनाते हैं, तो ये मैंने 6 फंदों का बनाया है। 6 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। तो इसमें डाले हैं मैंने, तीनों पल्ले मैंने एक साथ बनाए पहले, और ये हुड वाला बनाया। तो इसके नीचे नीचे जो मैंने फंदे डाले थे, 140 फंदों से मैंने शुरू करा था ये। तो इसमें मैंने सात सात ये जो बॉर्डर के बनाए हैं, ये सात सात फंदे मेरे अलग हैं, और बाकी मैंने 35 फंदे इधर, 35 इधर, और 70 फंदे मैंने पीछे रखे हैं। तो आप थोड़ा और लूज बनाना चाहते हो तो और लूज भी बन सकता है। तो यहाँ तक मैंने डिजाइन डाला है और ये बॉर्डर बनाया साथ में। अब यहाँ से मैंने प्लेन बना दिया, फिर स्वेटर प्लेन था तो मुझे दो रंग में बनाना था, तो इसकी मैंने बाजू में देखो थोड़ा सा डिजाइन डाला है, फिर दो रंग में बाजू तैयार कर दिया है। तो बाजू में मैंने यहाँ से 40 फंदों से शुरू करा है, और ऊपर मेरे 58 फंदे हैं, ये 58 फंदे तक मैंने बढ़ाए हैं, और 40 फंदों से मैंने शुरू करा था। अब इसमें मैंने एक स्टार बना के, इसमें एक इस तरीके के बटन है मेरे पास, तो ये बटन मैंने ऊपर से इसको सुई से टांग दिया, और ये 4 बटन मैंने इधर लगाए हैं। ये बड़े छोटे छोटे से बटन हैं, तो बच्चों पे रंग बिरंगे बटन अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने रंग बिरंगे बटन इसमें लगा लिया, जैसे ब्लू, येलो, फिर पिंक, फिर ग्रीन, इस तरीके से। तो ये तो मेरा स्वेटर हो गया। अब लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से बनाना, पर मैंने ये 140 फंदों से शुरू करा था, तो उसका हिसाब मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे बना है। अब यहाँ से फिर मैंने ये हुड बनाया इस तरीके की डोरी डली है। अब यहाँ पे मैंने जो गले के फंदे थे ये तो मैंने घटा दिए थे, उसके बाद जो मैंने गोल गला घटाया इसी में मैंने फंदे उठाए हैं, और पीछे से मैंने थोड़ी देर तक फंदे बढ़ाए हैं। ये नीचे से मैंने ऊपर को ये फंदे बढ़ाए हैं, ये इस तरीके से फंदे बढ़े हैं, जाली से फंदे बढ़ाए हैं। तो ये चोर जाली होती है जो जो दिखती नहीं है, तो दोनों तरफ से मैंने फंदे बढ़ाए हैं इसमें। तो ये टोटल हो गए थे मेरे, यहाँ पे मैंने जो फंदे बढ़ाए हैं, तो ये मेरे 100 फंदों की टोपी है। 100 से थोड़ा सा, 2-4 कम है, 100 ही लगा लो। तो आप अपने हिसाब से फंदे रखना कि कितने चाहिए आपको। तो ये काफ़ी बड़ा है टोपी, क्योंकि बच्चा अंदर से भी कॉटन की टोपी डालता है, फिर बाहर से, छोटा बच्चा है तो बाहर से ये टोपी ओढ़ देता है स्वेटर में। तो जो मैंने गोलाई घटाई उसमें मैंने फंदे उठाए, और पीछे जो फंदे मेरे रह गए थे उसके अलावा मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे मेरे फंदे बढ़े हैं, तो बाकी आप जितने भी रह रहे हैं आपके पास आप उस हिसाब से देख लीजिए। तो इसमें मेरे फंदे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 फंदे बढ़ाए हैं मैंने। 7 फंदे इधर बढ़े मेरे, 7 फंदे इधर को बढ़े मेरे, तो मैंने 14 फंदे और बढ़ाए। तो बाकी इसमें थे तो 100 फंदे लगा लो, 100 फंदों की टोपी। आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको थोड़ा सा छोटा चाहिए और, तो आप और कम फंदे रख सकते हो, और लंबाई उसकी अपने हिसाब से देख लेना कि कितना चाहिए। लेकिन टोपी ऊपर जब हुड बनता है तो थोड़ा खुला होना चाहिए, लूज होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर भी पहन लेता है, 1 साल का बच्चा भी इस स्वेटर को पहन सकता है, बस स्वेटर लूज होना चाहिए। अगर स्वेटर लूज है और छोटा भी है तो बच्चा पहन लेता है, और अगर टाइट है स्वेटर तो तब नहीं पहन पाएगा, क्योंकि बच्चा तो, कोई बच्चा हेल्दी होता है कोई पतला ही रहता है, तो जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है तो बच्चे का शरीर भी बढ़ता है, तो उसी हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने क्या करा था, जब मैंने ये फंदे उठाए थे यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने 10 फंदे फालतू उठाए थे, इसको मैंने इस साइड से क्रोशिया से फिर मैंने ये सिलाई करी है, ये क्रोशिया से सिला है मैंने, क्रोशिया से ऊपर से मुझे एक किनारी बनानी थी, तो इसको मैंने उल्टा पलटा दिया,
ये उल्टी साइड है, जब मैंने बनाया था तो सीधा था, तो फिर मैंने इसको उल्टा बना दिया, इधर को उल्टा पलटा दिया कि मेरा यहाँ पे डोरी डालने के लिए हो जाएगा। तो ये डोरी आराम से ये डोरी आ जाएगी, देखो तो काफ़ी चौड़ा है। तो 10 फंदे इधर के लिए मैंने जो बढ़ाए थे, और 10 फंदे मैंने इधर के लिए हैं। तो दोनों साइड जब मैंने ये बनाया था तो ये सीधा बनाया था, जब मैंने पलटाया था ये उल्टा आ गया। तो आप सीधा भी रख सकते हो, और दोनों तरफ से उल्टा उल्टा भी ऐसे ही भी रख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। आप डिजाइन एक सीधा एक उल्टा भी बना सकते हो। अगर आपको डबल नहीं बनाना है, डोरी नहीं डालनी है, तो मुझे डोरी डालनी थी इसलिए मुझे डबल ये यहाँ पे डबल करना था, तो इसलिए मैंने इसी में यहाँ से, ये तो मेरे अलग हैं, यहाँ से मैंने फंदे बढ़ाए थे। ये जो फंदे बढ़े हैं मेरे 10 फंदे, फिर इन्हीं को मैंने फोल्ड कर दिया था इधर को, तो मेरा फिर यहाँ पे सिलाई कर दी, तो डोरी डालने के लिए हो गया। अब बाकी टोपी का साइज आप अपने हिसाब से बनाना कि कितना लंबी टोपी चाहिए आपको, कितनी चौड़ी चाहिए। अब इसमें मैंने डोरी बनाई तो मैंने क्रोशिया के 2 फूल बना लिए इसमें, क्योंकि मुझे इसमें क्रीम मैच करना था, इसलिए मैंने बीच के हिस्से में देखो कोई 2 रंग नहीं डाले, सिर्फ बाजू में डालें। अब इसके साथ मैंने एक पैजामी भी बनाई है, तो ये तो मेरा स्वेटर हो गया। पैजामी भी मैंने यहाँ से 40 फंदों से शुरू करी है, यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन डाला, उसके बाद मैंने प्लेन बनाया, लेकिन मैं फंदे बढ़ाती गई यहाँ पे, यहाँ पे हर दूसरी तीसरी सिलाई पे मैंने फंदे बढ़ाए, फिर बाद में मैंने लगातार यहाँ पे 6 से 7 फंदे इधर बढ़ाए हैं एक साइड, 6 से 7 7-7 फंदे दोनों तरफ बढ़ गए समझ लो। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे 3-3 फंदे घटा दिए, ताकि इस तरीके की बच्चे जब पहनता है तो डायपर के लिए खुला ऐसे चाहिए होता है, तो जैसे हमारे कपड़े के बनाते हैं कटिंग, इस तरीके की कटिंग आ गई। तो जब हम फंदे घटाते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके की कटिंग आ जाती है। फिर उसके बाद आप अपना हिसाब से ऊपर को बना लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे उल्टी सिलाई, एक उल्टी सिलाई बना ली थी, बाकी सीधा बनाया, फिर ऊपर एक किनारे में एक उल्टी सिलाई और बना ली थी कि मेरा ये बॉर्डर इतना आएगा, डबल आएगा। जितनी सिलाई आप बनाना चाहो तो 10 से 11 सिलाई होंगी ये शायद, और उतने ही फिर इधर को, और उसके बाद मैंने ये सुई से सिल दिया। अभी इसमें एक इलास्टिक डालना बाकी रह गया, इसमें डोरी डाल दी मैंने, तो इलास्टिक रहता है तो डोरी भी होनी चाहिए साथ में, तो इलास्टिक से अपने आप यहाँ पे चुन्नट आ जाएंगी। तो इसमें मेरे टोटल, इसमें भी मेरे 90-92 फंदे हो गए थे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा लूज चाहिए था कि बच्चा डायपर पहनता है, तो डायपर वाले बच्चे के लिए ये चीज़ खुली होनी चाहिए, नहीं तो फिर एकदम अटक जाता है। लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से बनाएगा। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, आपको शायद पसंद आएगा मेरा स्वेटर बनाने का तरीका। और ये इसका तो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ आपको, ये मैंने सूज बनाए थे छोटे छोटे से, तो ये इसी सेट के सूज हैं, तो इसकी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। तो ये जूती बनाई मैंने, ये क्रोशे की बना लिए, ये बूट बना लिए, ये बूट टाइप के हैं, तो आप भी बना सकते हो ऐसे। इसकी वीडियो देखने के लिए आपको पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, तो जो मैं अभी अपलोड कर चुकी हूँ इसकी वीडियो, और इसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, अभी मैं इसका मेजरमेंट बता रही हूँ, और इसकी बुनती हुई वीडियो नहीं बताई मैंने। तो थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करना, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप अपने हिसाब से, बेबी ये है बड़ी सॉफ्ट ऊन है, गंगा की ऊन है, तो बड़ी सॉफ्ट ऊन है ये, अब बहुत अच्छा लग रहा है बनाने में भी, बुनने में भी अच्छा लग रहा है, और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है।